जीत, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आप लोग जैसे देख सकते हो, मैं अभी गाड़ी में हूँ और हमारा मैं बाहर निकली हूँ उसके पापा के साथ, क्योंकि कुछ काम है गोरिया स्टेशन में, इसीलिए। तो सुप्रियो अभी ठीक है, थोड़ा तबीयत सुप्रियो का खराब हुआ था, अभी ठीक हो गए हैं। तो कह रहे थे कि तुम लोग भी बैठे हो, तो चलो एक बार मार्केट होके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एम मार्ट बहुत सारे दुकाने यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमारा बस काट रही है मुझे। तो चलो देखते हैं क्या क्या काम करते हैं अभी गड़िया स्टेशन में। पीछे जियो का जो स्टोर है वहाँ पे गया है सुप्रियो, क्योंकि जियो फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए गया है वो दिखाने के लिए। उसके बाद आगे है गड़िया स्टेशन, फिर गड़िया स्टेशन में देखते हैं क्या काम है, पता नहीं। सुप्रियो कह रहे थे कि दो एक चीज खरीदना है, तो वो खरीद के चले जाएंगे। और अभी फिलहाल बहुत भीड़ है बाहर। मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को यहाँ पे लाई थी और मैं दिखा रही थी कि सारे जगह कैसे खाली खाली है, तो देखो आज कितना भीड़ है। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर चलेंगे। वेदर भी बहुत अच्छा है, आज सुबह थोड़ा सा ही बारिश हुआ, उसके बाद से धूप ही था, लेकिन इतना तेज धूप नहीं था, लेकिन वेदर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखो ये बदमाश बच्चा क्या कर रही है, परेशान कर रही है। क्यों पता है? उसको पीछे की सीट में जाना है और पापा की वो बोर्ड लेना है, इसीलिए तो पीछे की सीट में जाना चाहता है, तो इसीलिए। हाँ, कोशिश करके देखो। एटीएम जाना है सुप्रियो को, तो यहाँ पे थोड़े देर रुकते हैं। और ये बदमाश को देखो, शकल पे मत जाओ, ये बहुत बदमाशी कर रही है। देखो मेरी यहाँ पे काटा है। कल क्या हुआ पता है? कल मैं सम्राट के साथ बात कर रही थी रात के टाइम में, इसको मैं डिनर करवा रही थी, अचानक आके मेरे पैर में इसने काट दिया और खून निकल आया मेरे पैर से। ये मतलब कैसा काटने लगी है। पापा के पास जाना है। देखो देखो देखो, इसको पापा के पास जाना है। ये देखो, तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था, उस दिन मैंने बिग बाजार से और दो सामान लिए थे, वो है ये प्रेस्टीज का ग्रेनाइट का एक कढ़ाई है, ये एक कढ़ाई, और ये है एक चॉपर, हैंडी चॉपर, ये दोनों चीज लिए थे हमने। तो मैं सुप्रियो की थोड़ा सा मदद ले रही हूँ और मैं दिखाना चाहूंगी, मुझे ये बहुत दिनों से शौक था एक लेने के लिए। ये देखिए, ये है, तो ये है प्रेस्टीज का, ये ग्रेनाइट का है, और इसके साथ इसका ये जो है, इसका एक कांच का ढक्कन। तो इसका एमआरपी है 1660, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया गया था। और उसके बाद ये एक चॉपर है, इसके अंदर ब्लेड भी है, तो
इसके अंदर आप कुछ भी रखो और इस ब्लेड से आपको ये अंदर सेट करना पड़ता है और ये ढक्कन लगा दो, उसके बाद इसको आप खींचो तो पेस्ट हो जाएगा सामान। तो ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ये देखकर ही मैंने इसको लिया है। हाँ, ऐसे करके तो ये दो चीज़ मैंने लिया था जो कि मैं बता रही थी। शेयर नहीं किया वो ये है कि मैं मायके जा रही हूँ और अभी मैं कुछ दिन वहाँ पे रहने वाली हूँ, तो ये बात मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई थी। मैंने सोचा कि चलो शेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं सरप्राइज दे दूँगी। तो आज मैं जा रही हूँ और मामूनी कल गए हैं मेरे जो ओरिजिनल ससुराल है वहाँ पे। तो मामूनी के कल शुप्रिया छोड़ के आए हैं और आज शुप्रिया मुझे लेके जा रहे हैं मायके, तो कुछ दिन मैं वहीं पे रहूंगी। और ये देखो हमारा को बहुत मस्त सूजी है, बहुत खुश हुई है ये बाहर निकल कर। तो सुबह से मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला ब्लॉग करने की क्योंकि बहुत सारे पैकिंग वगैरह था। अचानक तय हुआ है कि जाएंगे तो बहुत सारे पैकिंग वगैरह था, फिर घर को भी समेटना था, ये सब करते करते टाइम चले गए। तो चलो हमारे साथ बने रहो, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। मायके आने के बाद से मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना क्योंकि हम जब आए थे तब बहुत लेट हो गया, कोलकाता से निकलते निकलते बहुत लेट हो गया, फिर रास्ते में बहुत सारा जम था, इसके वजह से यहाँ पे आने में बहुत टाइम लग गया और फिर लंच का टाइम हो गया और जल्दी जल्दी लंच खत्म करके अमायरा का लंच खिलाना पड़ा क्योंकि अमायरा को आज लेट हो गया था और अमायरा गाड़ी में सो गई थी, इस वजह से मैं गाड़ी में भी ब्लॉग नहीं कर पाई। तो दोस्तों अभी बालकनी में खड़ी हूँ, आप लोगों का जाना पहचाना जगह है ये बालकनी, पीछे मम्मी खड़ी है, मम्मी हाय कर दो सबको। हाय। तो मम्मी के पास अभी है कोकून और पीछे देखो नजारा, और अभी चाय वाय पी लिया और अभी हम सब बैठ के गप्पे दे रहे हैं। अब इतना तो कंसीडर कर ही सकते हो ना आप लोग क्योंकि इतने दिन बाद मैं क्या आई हूँ, तो ब्लॉग कम बन रहा है और बातें ज्यादा हो रहा है। तो गाइस शाम हो चुका है और हमारा क्योंकि दोपहर को सोई नहीं थी इसलिए अभी सो गई है, और हमारा अभी शुक्रिया के पास है क्योंकि उसको गोदी से नीचे नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वो उठ रही है हमेशा, मतलब हमेशा की तरह उसको नीचे खिलाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी नींद खुल रही है। तो अभी ये है इवनिंग टी, तो चाय पापा बना के लाए हैं और उसके साथ है ये, तो ये यहाँ का स्पेशल एक बिस्किट है, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा तीखा भी है पापा, थोड़ा सा तीखा है। तो चलो हम चाय पीते हैं, बहुत टायर्ड है, कल फिर फ्रेश एक ब्लॉग के साथ मिलेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, साथ बने रहिए हमारा। अगर कोई नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बनता है। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।